ठीक है, सारा कुछ चुके थे। पिछले क्लास में तक में कोई प्रॉब्लम है क्या? होमवर्क तो दिए थे, उसमें देखो अब यहाँ पे जो आता है ना, एक चीज और आता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, कहता है ये वाला जो हम लोग निकाल लिए थे क्या, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये निकाल लिए थे। ठीक है, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बाद, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बाद उसके बाद कई सारी चीजें, जैसे कि ये वाला हम बताए थे कि NO2 जो है यहाँ पे, NO सॉरी NO जो है उसमें भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि NO जो है वो तो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, बताएं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं इस, ठीक है, जब ये न्यूट्रल होता है तब, लेकिन जैसे ही ये एनओ प्लस होता है, ठीक है, एनओ प्लस होने के बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर बचेंगे। लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एनओ प्लस, क्यों? क्योंकि एनओ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम लोग, तो वो उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल से बाहर निकलता है। ठीक है, कहाँ से बाहर निकलता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल से, तो इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक, इसीलिए एनओ का यहाँ पे जो हम लोग लिए हैं वो कितना लिए हैं, तुम्हारा 2 लिए, -2। ठीक है, 2 करके यहाँ पे लिया गया है, ये चीज ध्यान रखना। और CO कार्बोनिल जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ 0 ले लिया गया। ठीक, ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना कैसे तुम्हारा करके हम लोग ले रहे हैं। और ये जो एनओ है वो 2 है ना, -2 कर दिया गया यहाँ पे। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कैसे कैसे करके हम लोग ले रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सारा। यहाँ देखो 26, ठीक है, इसका ये वाला देखो 26, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, +2, और ये +13, जितना था उसका डबल करके हम लोग करते थे ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में, ऑक्सीडेशन नंबर ये सब। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना ले लिए हैं, +2। ठीक है, ये इस तरीके से तुम्हारा गया हुआ है। इसको पुराना जो है उसमें कोई डाउट है तो बताओगे तो फिर से हम बता देंगे। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या था तुम्हारा, क्या फॉर्मूला बोला था कि एटॉमिक जो भी सेंट्रल एटॉमिक नंबर रहेगा जो सेंट्रल एटम का, वो उसमें माइनस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का वो, और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, 2 × नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है कितना, 2 कर देंगे। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग गए हुए हैं। उसमें कोई परेशानी आएगा, कोई प्रॉब्लम तो जरूर बता। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज हो जाने के बाद एक चीज आता है जिसको हम लोग सिडविक रूल है, सिडविक रूल है, वो क्या बोलता है कि ये रूल बेसिकली अकॉर्डिंग टू सिडविक रूल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स इन विच जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल हो जाता है, इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, यानी कि अगला नोबल गैस जो रहेगा उसके बराबर इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाता है, तो वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है अकॉर्डिंग टू सिडविक रूल। ठीक है, जैसे कि 3D सीरीज में बात करें, तो 3D सीरीज में कौन कहाँ से कहाँ तक आता है, स्कैंडियम से लेकर के कहाँ तक जाता है, जिंक तक जाता है। ठीक है, स्कैंडियम टू जिंक तक जाता है, तो इसका अगला नेक्स्ट नोबल गैस कौन सा होगा, 36। यानी कि इसके बीच में कोई भी यदि हम लोग सेंट्रल मेटल एटम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका जो भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा तो नेक्स्ट नोबल गैस क्या हो जाएगा तुम्हारा, 36। ठीक है, क्या हो जाएगा, 36। उसके बाद यदि 4D सीरीज रहेगा तो Y से CD तक जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 54। ठीक, और यदि हम बात करें 5D की, तो 5D में कहाँ से कहाँ तक तुम्हारा रहेगा, 57 से लेकर के 80, और ये हो जाएगा तुम्हारा 86 इसका नेक्स्ट नोबल गैस। तो यदि ये वाला मैच करता है, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे कि हम समझे इसको, जैसे कि K3 FeCN होल 6, ठीक है,
इसमें तुम्हारा ई एन कितना निकलेगा, 35, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और ऊपर तो सीख चुके हैं इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। कितना निकलेगा तुम्हारा, 35, और यहाँ पे एफ का कितना होगा, +3, कितना होगा, +3, ठीक। अब जरा सा देखना कि यहाँ पे एफ कितना होगा, +2, यहाँ एफ कितना होगा, +2, ठीक। इसका ई एन निकलता 36, कितना इसका ई एन निकलेगा, 36। तो ध्यान में रखना ये क्या है, नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट नोबल गैस तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन यही वाला है, 36 वाला है, ठीक है। इसका एफ का भी पता है, 21 से लेकर के 30 के बीच में आएगा तो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, 36 वाला हो जाएगा, ठीक। अब कहता है कि ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अभी जो हम लोग पढ़े हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन लेकिन जरा देखो यहाँ पे, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू सिडविक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट फैक्ट्स, के एफ क्या था अपना, फॉर्मेशन कांस्टेंट, ठीक है, फॉर्मेशन कांस्टेंट, ठीक। तो उसमें K3 Fe3N6 जो था वो ज़्यादा स्टेबल पाया गया, यानी कौन सा, +3 वाला, ठीक है। ये क्या पाया गया है, ज़्यादा स्टेबल पाया गया, देन K4 Fe3N6 यानी कि +2 वाला, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या बताया गया, तो इसका रीज़न ये बताया गया कि इस पर चार्ज ज़्यादा जो है, ठीक है, ज़्यादा चार्ज जो होने के कारण ये लिगेंड को, क्योंकि लिगेंड क्या था, नेगेटिव चार्ज था ना, लिगेंड को ज़्यादा अच्छे से अपने तरफ खींच सका, टूवर्ड लिगेंड, ठीक है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म, ठीक। मतलब लिगेंड को अपने तरफ वो ज़्यादा अच्छे से खींच सका, इसीलिए ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल बन गया। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स ये बताते हैं वो फॉर्मेशन कांस्टेंट के वैल्यू से, लेकिन एक्सप्लेनेशन ये दिया गया, लेकिन खास बात ये है। तो फिर ये भाई अप्लाई कहाँ पे हो रहा, सिडविक रूल जो अभी हम कहें कि नेक्स्ट नोबल गैस यदि आ जाता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो अप्लाई कहाँ पे होगा, तो क्या बोलता है कि ये मेटल कार्बोनिल पे अप्लाई होता है तुम्हारा, ठीक है, मेटल कार्बोनिल पे। बट इन मेटल कार्बोनिल सिडविक रूल ऑलवेज फॉलोड, हमेशा ये फॉलो करता है मेटल कार्बोनिल पे। तो ध्यान में रखना है कि मेटल कार्बोनिल की बात आई तो सिडविक रूल एकदम से फॉलो होने लगेगा, ध्यान से समझ लेंगे इस चीज को, मेटल कार्बोनिल इंपॉर्टेंट। देखें यहाँ BBI लिखा हुआ है, ठीक। अब क्या बोलता है कि यदि मेटल कार्बोनिल का EAN, समझ लेना फिर से वही स्टेटमेंट दोबारा आ रहा, यदि मेटल कार्बोनिल का EAN मतलब मेटल कार्बोनिल वाले कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है सेंट्रल मेटल एटम का नहीं इक्वल है, ठीक है, एटॉमिक नंबर से ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस, देन दैट मेटल कार्बोनिल अंडरगो आइदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉलीमर फॉर्मेशन टू मेक इट EAN इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। कहने का मतलब ये है, समझना है आसान तरीके से। कहता है कि यदि 36 आ रहा है तब तो भाई वो स्टेबल है, ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट नोबल गैस आ रहा है तब वो क्या है, स्टेबल है। लेकिन किसी कारणवश यदि मेटल कार्बोनिल वाले का 36 नहीं आ पा रहा है, या तो कम हो जा रहा है या तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो उस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, नहीं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और कर करके 36 पहुंचना चाहेगा ताकि उसको स्टेबिलिटी मिले। इज दैट क्लियर, हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यही, ठीक। अब इसमें यदि हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, नीचे में यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे Ni(CO)4, तो इसका कितना आता है, निकल का 28 और ये न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और 8, 4 × 2 = 8, एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो 4 × 2 = 8 और टोटल कितना आ जाएगा, 36। तो इसका कितना आ रहा है आपका, 36 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, इतना इसका कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑल आर स्टेबल बिकॉज फॉलो सिडविक रूल, ये सिडविक रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्टेबल माने जाएंगे, क्लियर है। लेकिन लेकिन यदि हम थोड़ा इसको देखें इस वाले को, इसको देखते हैं, ये MnCO5, तो इसका देखेंगे 25 एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा, उसके बाद ये तो 0 ही हो जाएगा, न्यूट्रल है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0, उसके बाद ये कितना, 5 × 2 = 10, तो ये कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। अब 35 आ रहा है, इसका मतलब हम क्या करवाएं जिससे ये 36 आ जाए, 35 आ रहा है इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है,
हम इसमें गेन करवाएंगे एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा किसी से लेगा, और जिससे ये क्या हो जाएगा, जिस पर ये माइनस आ जाएगा चार्ज, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 36। तो किस पे वो माइनस बेसिकली आ रहा है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया गेन कर लिया, तो ये एक तरह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो करेगा। और यदि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो ये किस तरीके से शो करेगा अपने आप को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। बात समझ में आया, क्योंकि वो क्या करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो जाएगा, ठीक। अब यदि ये वाला हम देखेंगे तो यहाँ पे 25, 12, 37 इसका एक ज्यादा हो जा रहा, तो ये भी स्टेबल नहीं माना जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, ये करेगा लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस इलेक्ट्रॉन। लॉस इलेक्ट्रॉन होने के बाद, ठीक है, लॉस इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये आ जाएगा 36, और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो +1 आ जाएगा यहाँ, और ये तो न्यूट्रल ही रहता है, तो ये +1 टोटल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे Mn पे, ठीक है, तो +1। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, अब ये स्टेबल हो जाएगा। अब इसने क्या किया है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये किस तरीके से एक्ट करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो ध्यान में रखना, इस तरीके का कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। और इसकी बात करें, ये कोबाल्ट और ये कार्बोनिल है, तो ये फिर 35 आ रहा है, ये क्या करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, 36 हो जाएगा, स्टेबल यहाँ नहीं था, तो ये किस तरीके से एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। बात समझ में आया किस तरीके से सिडविक का एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक। और थोड़ा सा आगे यदि हम चले जाएं तो ये जो एग्जांपल है वो काफी इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा ध्यान दें कैसे, ठीक है। कहता है CO, CO4 का होल फोर, कहता है कि इस क्या हो सकता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम लोग करके दिखाए ऊपर जो अभी तुरंत देखें, ठीक। और यहाँ पे क्या हो सकता है, तुम्हारा डाइमर का भी फॉर्मेशन किया जा सकता है इस एक्टिविटी के लिए, ठीक है, किस चीज का, जिसको हम लोग पॉली न्यूक्लियर कार्बोनेट्स भी कहते हैं, डाइमर का फॉर्मेशन, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। जैसे कि 2 CO, यहाँ तो हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अपना हो गया, ऊपर ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, ये वाला चीज जो है वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, डाइमर का, ठीक है, 2 मिल गए, तो बेसिकली ये क्या बन गया, CO कोबाल्ट जो था वो क्या हो गया, CO2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये कितना हो गया आपका कार्बोनिल, टोटल 8 हो गए, 8। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉली न्यूक्लियर। पॉली न्यूक्लियर क्यों, क्योंकि ये 2 हो गए, ठीक है, एक से ज्यादा हो गए कार्बोनेट्स। तो कहता है इन ऑल पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल EAN ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन जो रहता है वो वाला, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, अब कैसे देखेंगे जरा सा, यहाँ पे देखेंगे जरा सा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोबाल्ट कितने थे, 8 हो गए थे ना, कोबाल्ट 2, तो ये कोबाल्ट 2 है, इससे कितने जुड़े हैं 4, और इससे भी कितने जुड़े हैं 4। अब खास बात ये है ना, एक चीज कि इसमें एक नया, ये इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये सिग्मा बॉन्ड नहीं कहलाएगा, ध्यान में रखना है ये डेल्टा बॉन्ड है, एक ऐसा बॉन्ड है डेल्टा बॉन्ड, बॉन्डिंग में पढ़े, ठीक है, ये कैसा बॉन्ड है, डेल्टा बॉन्ड। तो एक डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए क्या है एक्स्ट्रा जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड है, डेल्टा बॉन्ड, ठीक। अब ये दूसरा एग्जाम्पल, इसी में 2 MnCO का होल कितना है, 5, ठीक है, 5, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2 हो जाएगा, ठीक है, CO10 हो जाएगा, डाइमर हो गए। अब इसमें भी 5 इधर 5 इधर, और बीच में जो फॉर्म हुआ वो क्या होगा, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ठीक। और EANis का कितना हो जाता है, तो EANis का 36 हो जाएगा आपका, ठीक है, सब कुछ देख लेंगे हम लोग। और यहाँ पे यदि हम देखें, ठीक, यहाँ पे देखें, हाँ, और ये वाला कैसे, तो 25 किसका हो गया, और EAN सबका मिला के नहीं करना है भाई, ये भी ध्यान में रखना है, इसके रेस्पेक्ट में, किसी एक के रेस्पेक्ट में, जैसे यही वाला हम लोग देख ले इसका, तो किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, ये एक के रेस्पेक्ट में, एक के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, 8 बॉन्ड जितने बना रहे हैं, 4 बॉन्ड बना रहे, 4 × 2 = 8, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्यू टू डेल्टा बॉन्ड, ये डेल्टा बॉन्ड के कारण एक एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो टोटल कितना हो जा रहा है, 36, इसीलिए किसका फॉर्मेशन किया, टाइमर का फॉर्मेशन, ठीक है।
उसके बाद यदि देखेंगे एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन क्वेश्चन के तौर पे है, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ एन ए सी ओ होल फोर, ठीक है, सीओ सीओ का होल फोर। तो एन ए बेसिकली क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब कार्बोनिल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या कर लिया, यही इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन निकला था वही इलेक्ट्रॉन को ले लिया और ये क्या बन गया, सीओ सीओ का होल फोर और ये माइनस चार। ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है, यहाँ से जाएंगे क्या बचेगा, एन ए प्लस सी ओ का होल फोर और क्या बनेगा, एन ए सी ओ सी ओ का होल फोर, ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग खत्म कर चुके हैं आज। अभी जो हम लोग है वो किस चीज़ की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, किस चीज़ की ओर आगे बढ़ेंगे, तो जो अपना नोमेनक्लेचर का पार्ट है वो वाला, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू कर